नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। नैनवा उपखंड के कालामाल गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मृत जानवरों की दुर्गंध से भरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय परिसर में ही मृत जानवरों को डालने से हमेशा दुर्गंध से परेशान होना पड़ रहा है। दुर्गंध से परेशान छात्र छात्राओं को सांस लेने में भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर कई बार स्कूल के प्रधानाचार्य और ग्रामीण द्वारा भी उच्च अधिकारियों से मृत जानवरों को स्कूल के पास से अनियंत्रित रूप से डालने के लिए अवगत भी करवा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उच्च अधिकारियों के द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब तक स्कूल के पास ही मृत जानवरों को डालने से अध्यापक सहित स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दुर्गंध से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान अध्यापक ने बताया कि स्कूल गेट के पास ही मृत जानवरों को डालने से स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं सहित स्कूल स्टाफ दुर्गंध से जूझता रहा है। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा कई बार तो दुर्गंध से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है। मृत जानवरों को अनियंत्रित डालने के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र लिखे गए और ग्राम पंचायत पर भी अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। हमेशा मृत जानवरों के डालने से दुर्गंध से स्कूल में बच्चे आने जाने में कतराते हैं, जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। संवाददाता गणेश शर्मा की रिपोर्ट। राजेश मीणा, HM, UPS कालामाल। हमारे विद्यालय के पास में गेट से करीब 50 फीट की दूरी पर ही अभी भी दो मृत गायें डाल रखी हैं। इसके लिए हमने ग्राम पंचायत से पहले प्रशासन गांव के संग में सरपंच साहब को, SDM साहब को अवगत करवाया था, लेकिन अभी तक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत से बार बार ग्राम सभा की मीटिंगों भी हमने बोला है, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं किया है। यहाँ इस वजह से विद्यालय का वातावरण दूषित हो रहा है। अभी भी दो जानवर मरे हुए हैं और वह विद्यालय गेट के पास ही पड़े हुए हैं। तो हम प्रशासन से यही और ग्राम पंचायत से निवेदन करते हैं कि ये जो टटेर काना है मृत जानवर को यहाँ डालते हैं, उनको मृत जानवर के लिए अलॉटमेंट उचित जगह पर ही मृत जानवर को डाला जाए। रोहित पराजी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? कक्षा 8 में। अच्छा, क्या परेशानी है तुम्हें? हमारे यहाँ स्कूल के पास ही मृत जानवरों को डाला जाता है, तो इससे बहुत बदबू आती है और अब हमारे यहाँ बिल्डिंग नहीं होने के कारण बाहर बैठते हैं, तो यहाँ पर रुकने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, कितने दूर डाला जाता है मृत जानवरों को? यहाँ पास में सर, दीवार के पास ही। अच्छा, दीवार के पास।